हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। मैं महेश प्रधान, आपका मैथ्स एजुकेटर। जैसा कि आपको पता, अपन ने मैथ्स का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम कर लिया है और दूसरा टॉपिक अपना परसेंटेज स्टार्ट हो चुका है। उसकी अपनी कुछ क्लासेस हो चुकी है। आज अपन देखते हैं कि परसेंटेज में जो अपना कल लास्ट क्लास में अपन जो देखे थे फॉर्मूले वाला ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 कि परसेंटेज चेंज हो तो टोटल परसेंटेज चेंज क्या होगा लास्ट में। तो दोस्तों, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि यूपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, जो अपना ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर की कोई भी साइड, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर वही होता है जिसकी चारों साइड सेम और हर एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होगी। तो क्वेश्चन आ जाता है, स्क्वायर की साइड को 10% से इंक्रीज करने पर उसके जो एरिया होगा उसमें कितने परसेंट चेंज होगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन एरिया वो फाइंड करना है। तो एरिया इसका होता क्या है, ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए होता है, दो बार आता है, तो वही अपना ए इंटू ए में वो फॉर्मूला लग जाएगा अपना, कौन सा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ए में परसेंटेज कितना है 10 का, फिर नेक्स्ट ए में 10 का, फिर 10 इंटू 10 बाई 100। ठीक है दोस्तों, दो जीरो से दो जीरो गए, 10 प्लस 10 20 और 20 प्लस ये 1 इंटू 1 1, ये आ गया अपने पास 21। 21% प्लस में आया तो मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपने पास बनता है एक और किसका क्वेश्चन, ये अपना सर्किल हो जाता है। ठीक है, सर्किल की रेडियस अपने पास आर। ठीक है दोस्तों, ये सर्किल जैसा बना नहीं है, सर्किल ही। ठीक है, अपना इस वो ही पूछ रहा है, एरिया में परसेंटेज चेंज फाइंड करना है और इसने क्वेश्चन में बोल दिया रेडियस को 20% से इंक्रीज किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ डिक्रीज कर लो, कुछ भी ले लो, चलो अपने इंक्रीज का क्वेश्चन कर लिया तो ये डिक्रीज का कर लेते हैं, 20% से डिक्रीज किया। तो डिक्रीज किया मतलब एरिया होता क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो अपने पास कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों, और आर स्क्वायर है तो मतलब आर इंटू आर है, तो वही फाइंड करना है, दो बार आर ही है दोनों बार, तो दोनों बार क्या है 20% चेंज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब -20। इसी फॉर्मूले के हिसाब से बी भी हो गया अपने पास -20, फिर -20 इंटू -20 डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ में आया, तो -20 और -20 -40 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ऊपर बच गया अपने पास 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। दो जीरो से दो जीरो गया और ये अपना चल ही रहा है -40 प्लस 2 इंटू 2 4, तो -40 और प्लस 4 कितना बचा, हो जाएगा अपने पास -36%, मतलब -36 है, मतलब ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी सर्किल की रेडियस को 20% से डिक्रीज किया जाए तो उसके एरिया में क्या असर होगा, वो 36% से डिक्रीज हो जाएगा। किसी भी स्क्वायर की अगर जो साइड है उसको 10% से इंक्रीज किया जाए तो उसके जो एरिया होगा उसमें कितना चेंज होगा, 20% 21% का 21% से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपन ने कल रेक्टेंगल का भी क्वेश्चन कर लिया था, ये स्क्वायर हो गया, सर्किल भी हो गया, अब अपन ट्रायंगल का भी देख लेते एक बार, जो अपना त्रिभुज होता है उसका भी क्या होता है, ये अपना त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का ये बेस है, त्रिभुज का क्वेश्चन में ट्रायंगल के क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि जो अपना बेस है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो अपना हाइट है वो 5% से डिक्रीज हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया, और फिर क्वेश्चन वही है अपने पास, एरिया में कितने परसेंट का चेंज हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अपन ने जैसे इसमें देख लिया था स्क्वायर के अंदर 10% से इंक्रीज करके देख लिया, फिर उसमें सर्किल में 20% से डिक्रीज करके देख लिया, अब ये देख लेते हैं अपन ट्राइंगल, इसमें एक इंक्रीज कर लेते हैं एक डिक्रीज कर लेते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। तो अपना फॉर्मूला क्या था, ए प्लस
बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, जहाँ पर इंक्रीज हो रहा है वो पॉजिटिव लेना है और जो डिक्रीज हो रहा है उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अपना एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जो ट्राइंगल का होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई में 1/2 तो हो गया कॉन्स्टेंट, बी इंटू ई है, बी इंटू एच है जो वेरिएबल है, तो बेस को कितना चेंज कर रहा है ये 10% से इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव आ गया, फिर हाइट को 5% से डिक्रीज कर रहा है मतलब नेगेटिव आ गया, फिर यही अपना ए तो हो गया 10, बी हो गया -5 डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे चल ही रहा है, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5 प्लस, और ये माइनस बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, तो 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 गया, 5 से 10 गया 2 टाइम्स, तो क्या है ये -5 -1/2, और 5 में से 1/2 गया तो कितना बचा 4.5%। अपने पास ये क्या है पॉजिटिव में, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हुआ है, मतलब क्या हुआ था अपने क्वेश्चन क्या था, ट्राइंगल की अगर बेस को 10% से इंक्रीज किया जाए और हाइट को 5% से डिक्रीज किया जाए तो जो उसका एरिया होगा उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा, उसमें 4.5% का चेंज आएगा, क्योंकि अपने पास ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है इसका मतलब इंक्रीज होगा, उसका एरिया 4.5% से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 4.5% से बढ़ जाएगा ट्राइंगल का एरिया। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन हो रहे हैं इजीली, आपको समझ में आ ही रहे होंगे। अब कुछ और अपन एग्जांपल लेके देखते हैं, अपन अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ कुछ, जो कि अपने यूपीएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कुछ डाटा चेंज है बस, और आगे भी इसी टाइप सेम ही रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता टाइप में, कुछ वो डिजिट चेंज कर देते हैं, डाटा चेंज हो जाते हैं और क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से हो जाएगा, मैथ्स रीजनिंग की भी अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, वो भी मैथ्स के साथ पैरेलल ही चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी बंदा है ए, उसने उसके किसी एग्जाम के अंदर 200 मार्क्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, 200 मार्क्स आते हैं और वो 130 मार्क्स से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए, और उस एग्जाम में पास होने के लिए 33% मार्क्स की जरूरत थी, 33% मार्क्स वाला पास हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, मतलब 33% क्या हो गया, ये पासिंग मार्क्स। ठीक है दोस्तों, 33% हो गए पासिंग मार्क्स, तो इसने पूछा जो टोटल मार्क्स या मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो कितने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई बंदा था ए, उसने किसी एग्जाम में 200 मार्क्स लेकर आया वो, और वो 130 मार्क्स से फेल हो गया, और उस एग्जाम में 33% मार्क्स वाला पास होता है, मतलब उस एग्जाम को पास करने के लिए 33% मार्क्स लाने होते हैं, जैसे अपना यूपीएससी का जो सीसेट का एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स की जरूरत होती है, तो ये मान लो वही है, 33% मार्क्स लाना है उसको क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, 200 मार्क्स वो लेके आ गया एग्जाम में और 130 मार्क्स से फेल हो गया, तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, तो 200 से तो आए हैं उसके, 130 से फेल हो गया, अगर 130 मार्क्स उसके और आ जाते तो दोस्तों वो पास हो जाता ना, तो 200 उसके मार्क्स आए थे, 130 अगर और आ जाते तो प्लस 130 तो वो पास हो जाता, और पास हो जाता मतलब कितने परसेंट हो जाते वो 33% हो जाते वो, तो 200 प्लस 130 कितना हुआ 330 कितना है ये 33% की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अगर 33% की वैल्यू 330 है तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100%, 100% से ऊपर तो कोई स्कोर नहीं कर सकता ना, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100%, तो 100% कितने होंगे 330 डिवाइड बाई 33 इंटू 100, तो 33 से 330 गया
10 टाइम्स 10 इंटू 100 अपना कितना बना 1000। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, ये 1000 मार्क्स होंगे मैक्सिमम मार्क्स, दिख रहा है सबको नीचे तक। तो ये कितना हुआ अपने 33% मार्क्स की वैल्यू होगी 330, तो 100% मार्क्स की वैल्यू हो जाएगी 1000 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया ना सबके, 8200 मार्क्स ला रहा था, 130 मार्क्स से फेल हो गया, 33% पासिंग मार्क्स है तो मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने थे। तो 200 लाया था, 130 अगर और आ जाते, मतलब 200 प्लस 130 आ जाते उसके, मतलब 330 आ जाते, तो वो पास हो जाता, और पास वाले मार्क्स कितने थे 33%, तो 33% की वैल्यू हो गई 330, और 330 अगर 33% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1000, तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो हो कितने हो गए 1000। ठीक है दोस्तों, अपने पास ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनता है, ये तो अपना एक ही बंदे से बात हो गई थी कि उसी के इतने आए थे, अगर इतने और आ जाते तो वो पास हो जाता। अब अपने पास एक और इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन अपने ऐसे हैं कि कोई है अशोक, ठीक है दोस्तों, अशोक 35% मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है, और 35% मार्क्स स्कोर कर रहा है और 30 मार्क्स से फेल हो रहा है, फेल हो जाता है 30 मार्क्स से। और कोई दूसरा बंदा है रमेश, रमेश जो है वो 42% मार्क्स स्कोर कर रहा है, और वो जो पासिंग मार्क्स है, जो पास मार्क्स है उससे 12 मार्क्स ज्यादा लेके आ रहा है, एक्स्ट्रा हो गए 12 मार्क्स। ठीक है, तो जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो फाइंड करने हैं कितने हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई बंदा है अशोक, वो 35% मार्क्स स्कोर करता है, वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है लेकिन, और दूसरा बंदा है रमेश, वो 42% मार्क्स स्कोर करता है, और उसके जो पासिंग मार्क्स है, जो पासिंग मार्क्स जितने भी है उससे 12 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है। देखो क्वेश्चन को समझते हैं अपन, क्या है, अशोक है ये ला रहा है 35% मार्क्स, और मान लो पास करने के लिए इतने हैं, जो भी है इतने मार्क्स चाहिए, और रमेश ला रहा है 42% मार्क्स, जो कि ज़्यादा ला रहा है पास होके, उससे 12 मार्क्स ज़्यादा है, तो जो रमेश है वो ला रहा है 42% मार्क्स। ठीक है, ये अपने हो गए पासिंग मार्क्स, ठीक है, पास होने के लिए इतने चाहिए। तो अगर ए 35, मतलब अशोक 35% मार्क्स स्कोर कर रहा है और 30 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो ये है 30 मार्क्स का गेप। ठीक है, 42 ला रहा है रमेश और 12 मार्क्स एक्स्ट्रा ला रहा है, तो ये हो गया 12 मार्क्स का गेप। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अब ये 35 ला रहा है और ये 42 ला रहा है, और इसके बीच का गेप कितना हो गया 30, तो ये 12 ये, मतलब 42% माइनस 35%, ये कितना है 30 प्लस 12। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना सबके, तो 42 माइनस 35 कितना हुआ 7%, 7% की वैल्यू कितनी होगी 30 प्लस 12 42। तो अब क्या ही फाइंड करना अपन को, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100%, 100% से ज़्यादा कोई स्कोर कर सकता है क्या, नहीं ना, तो 100% कितना होगा 42 डिवाइड बाय 7, ठीक है, इनटू 100। ठीक है दोस्तों, 7 से 42 गया कितनी बार, 6 बार, 6 टाइम्स गया, 6 इंटू 100 मार्क्स, ये क्या है 100% मार्क्स, और 100% मार्क्स कितने होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, वही अपन को फाइंड करना था, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 600 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो वो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता कि पासिंग मार्क्स कितने हैं उस क्वेश्चन में, तो पासिंग मार्क्स कितने, अपने पास 7% की वैल्यू है 42, ठीक है 7% है 42, ये जो अशोक है वो 35% मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो 35% मार्क्स की वैल्यू कितनी हो गई 42 डिवाइड बाई 7 इंटू 35। ठीक है दोस्तों, तो 7 से ये कितनी बार गया 6 बार, और 6 इंटू 35 कितना होगा
210, ठीक है दोस्तों, समझे हो ना। 35 का डबल 70, 70 का तीन गुना क्या हो जाएगा 210, तो 210 मार्क्स ला रहा है अशोक और ये 30 मार्क्स के फेल हो रहा है, तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, जो पास मार्क्स होंगे वो कितने होंगे 210 प्लस 30 से फेल हो रहा था, 30 और आ जाते तो पास हो जाता, तो 210 प्लस 10 30 कितना हो जाएगा 240, ठीक है दोस्तों 240 मार्क्स है पासिंग मार्क्स। अपन इसको एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जो रमेश है इसको 42% मार्क्स की जरूरत, 42% मार्क्स लाया था, ठीक है, तो अपने पास 7% की वैल्यू है, 7% कितना है 42 है ना दोस्तों, 42 और 42% की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 42% का निकालना है, 42 डिवाइड बाय 7 इंटू 42, ये गया 6 टाइम्स, तो ये कितना बनेगा 6 6 24, 240 तो ये हो गए और ये 6 दुनी 12 हो गए, तो ये कितना हो गया 252, ठीक है दोस्तों, मतलब 252 मार्क्स किसके आ रहे थे 252 रमेश के, और रमेश के पासिंग मार्क्स से 12 मार्क्स ज़्यादा है, तो पासिंग मार्क्स के लिए क्या होगा, इस 252 जो कि 42% की वैल्यू है रमेश वाली, इसमें से 12 मार्क्स कम कर देंगे, 252 में से 12 कम कर दिए तो कितने बचे 240, ठीक है दोस्तों, वही पासिंग मार्क्स है, उससे फाइंड करो या इससे करो, अशोक वाले से निकालो या रमेश वाले से निकालो, आंसर सेम आना है। आपको प्रोसेस पता होने चाहिए सारे, एग्जाम में कोई भी प्रोसेस अपने माइंड में हिट कर सकता है, तो सारे प्रोसेस पता होंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही एक और अच्छा क्वेश्चन है, कोई एग्जाम है उसमें 25% बंदे मैथ्स में पास होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और 15% बंदे इंग्लिश में पास हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और 10% बंदे बोथ में पास हो रहे हैं, मतलब मैथ्स में भी पास हो रहे हैं और इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं, दोनों में पास हो रहे हैं 10% और इंग्लिश में पास हो रहे हैं 15% और मैथ्स में पास हो रहे हैं 25%, दो ही सब्जेक्ट थे एग्जाम में, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो पास कर रहे हैं वो कितने हैं, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया, 25% मैथ्स में पास हो रहे हैं, 15% इंग्लिश में पास हो रहे हैं और 10% ऐसे बंदे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, तो ऐसे बंदे अपन को निकालने जो पास कर रहे हैं एग्जाम को, ठीक है दोस्तों, मतलब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, आप क्वेश्चन में यह भी ऐड कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम, एटलीस्ट टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का क्या होगा, 25% तो पास कर रहे हैं इंग्लिश मैथ्स में, 15% पास कर रहे हैं इंग्लिश में, और जो 10% दोनों में पास कर रहे हैं, ठीक है, जो इसमें भी आ गए और इसमें भी आ गए, ठीक है, उनको अपन निकालेंगे ना, क्योंकि वो दो बार एड हो गए है ना, तो 10% माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25 और 15 कितना हुआ 40 माइनस 10 ये आ गया 30%, 30% स्टूडेंट ऐसे थे जो कम से कम एक सब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। दोस्तों आप ही यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये जो 25% मैथ्स के पास कर रहे हैं वो दोनों सब्जेक्ट में पास कर रहे हैं, मतलब जो दोनों सब्जेक्ट में जो 10% है अपने पास वो यहाँ भी ऐड हो गए और यहाँ भी ऐड हो गए, ठीक है दोस्तों, तो जो 15% है उसमें भी 10% ऐड हो गए, 25% है उसमें भी 10% ऐड हो गए, तो एक बार तो उसको निकालना पड़ेगा ना 10% को, तो कितना जाएगा 25 प्लस 15 माइनस 10, तो कितना हुआ 25 और 15 40 माइनस 10% क्या, तो 30%, ये क्या है कम से कम एक सब्जेक्ट को पास करने वाले स्टूडेंट की संख्या, दोनों सब्जेक्ट को पास करने वाले स्टूडेंट कितने परसेंट है बताओ दोस्तों, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ अपने पास,
10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ऐसे स्टूडेंट की संख्या बताओ जो एक भी सब्जेक्ट को पास नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास क्या है, 30% जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को पास कर रहा है, और एक भी सब्जेक्ट को पास नहीं करेगा तो क्या होगा, 100 माइनस जो एक पे कम से कम पास कर रहा है कितना गया, 70%। अपने पास 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो रहे हैं, मतलब दोनों में फेल हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट देखेंगे अगली क्लास में अपने जनसंख्या वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, पॉपुलेशन के क्वेश्चन, कि किसी गांव की जनसंख्या 2002 में इतनी थी, 2004 में इतनी हो गई, कितने परसेंट चेंज हुए, यानी फिर हर साल 5% बढ़ती जा रही है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, या 5% कम होती जा रही है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो वो वैसे क्वेश्चन भी आते हैं यूपीएससी में, तो वो क्वेश्चंस देखेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।